ठीक हो जाएगा। सुमिया कुछ नहीं होगा मामू को, तुम परेशान मत हो। भाभी सज्जाद भाई की तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। बिल्कुल ठीक थे, न जाने क्या हो। भाईजान तो बहुत खुश थे आपा, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं आज खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। बस नजर लग गई हमारी खुशियों को। वो ऐसी बातें तो मत करें, दुआ करें कि वो खैर आफियत से वापस घर आ जाए। बेटा हमारा उनके सिवा है ही कौन, माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए तो भाई ने माँ बाप दोनों का प्यार दिया। हमारी तो हर पल दुआ है हमारी जिंदगी भी उन्हें लग जाए। मान डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कैसे मेरे फादर? देखिए उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और सिवियर किस्म का हार्ट अटैक। आई एम रियली सॉरी बट अल्लाह ताला के आगे बंदों की मर्जी नहीं चलती है। ही कुड नॉट सर्वाइव। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? जो अल्लाह की मर्जी। एक्सक्यूज मी, हाँ।
अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। वरना सज्जाद भाई कल इतने खुशबाज थे कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा होगा। सच कह रहे हो फरीद भाई, सज्जाद भाई बहुत खुश थे। बस अल्लाह जाने ऐसा क्या हुआ कि पल भर में जान चली गई। खुशी कभी कभी ना इंसान की जान ले लेती है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला बस उनको अपने बागों में से बाग में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले चले भैया। हौसला करें भाभी, ये गम तो अब सारी जिंदगी के साथ। कैसे हौसला रखे, इतनी अचानक सज्जाद भाई बेवगी का दुख दे के चले गए। कल तक कितना खुश था मेरा भाई और आज मनो मट्टी के नीचे जाके सो गया। यकीन ही नहीं आ रहा कि यूं सज्जाद भाई हमें अचानक छोड़ के चले। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। शाइस्ता ठीक कह रही है, इनके घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। सच में सज्जाद भाई बहुत ही अच्छे थे। हर किसी से मोहब्बत और खुलूस से बात करना, हर किसी के दुख दर्द में काम आना। मोहल्ले में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिनके बारे में कोई गलत बात कहता हो। क्यों ना होते बहन, वो थे ही इतने अच्छे इंसान। जब से बेटे का रिश्ता किया था बहुत बेचैन थे, बस चाहते थे बहू ले आऊं। और देखो जरा, मुझे तो लगता है कि ये लड़की इनके लिए मनहूस साबित हुई है। देखो ना, ब्याह के भी इस घर में आई नहीं और आने से पहले ही ससुर की जान ले ली। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती है आपको? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, इसमें राहीला का क्या कसूर? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं फूफो, पता नहीं लोग अल्लाह से क्यों नहीं डरते। जबान को लगाम दो सोमिया, मैंने कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर दी है? तुम्हारे घर के हालात देख के सारा मोहल्ला यही बातें सोच रहा है। क्या कह रही हो बहन, क्या सोच रहा है कोई? यही कि राहीला इतनी मनहूस है कि यहाँ आने से पहले ससुर की जान ले ली। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो? क्या तुम्हारे घर में बेटी नहीं है? तौबा तौबा, मैंने तो हमदर्दी में दो लफ्ज क्या कह दिए, आप लोगों ने तो मेरी बात ही पकड़ ली। अल्लाह की किताब हाथ में लेके ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लगता आप लोगों को? फहमीना बाजी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। सज्जाद भाई से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनकी अचानक मौत से हमें भी बहुत दुख हुआ है। आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, चले यहाँ से। मुझे तो लगता है कि ये लड़की इनके लिए मनहूस साबित हुई है। देखो ना, ब्याह के भी इस घर में आई नहीं और आने से पहले ही ससुर की जान ले ली। लोगों की बातें मत सुनो, लोग तो ऐसी जहलों वाली बातें करते हैं। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? कब तक लोगों की जुबानों पर ताले लगाते रहेंगे? जो भी कुछ बोल रहे हैं वो ठीक ही तो बोल रहे हैं। पागल मत बनो राहिला। पागल नहीं हूं मैं। आप लोगों ने देखा नहीं था कि मामू कितने खुश थे? मेरी नहुसत ही उन्हें ले डूबी है। देखते ही देखते मौत को उन्होंने गले लगा लिया। मैं हुई इस घर के लिए मनहूस, इस घर के लिए बहुत भारी हूं। सब सब खत्म हो गया।
मामू के जाने के साथ साथ ये रिश्ता भी खत्म हो जाता है। रहीला ये क्या बोल रही हो तुम? लोगों की बातों से हमारे रिश्ते कमजोर थोड़ी हो जाएंगे। तुम नहीं समझ सकती सोमिया, तुमने देखा नहीं इस घर में आने से पहले ही मैंने मामू की जान ले ली। देखा नहीं किस तरह से लोग बातें कर रहे, और देख लीजिएगा आप, नौमान और मुमानी भी इस रिश्ते से मना कर देंगे। क्या हो गया रहीला तुम्हें? पहले ये सब गम से निढाले, अब तुम्हारी ऐसी बातें सबके दुख में इजाफा कर देंगी। अभी मैं घर जाना चाहती, अगर मैं यहाँ रही ना तो ये एहसास मेरी जान ले लेगा कि मैंने मामू की जान दे दी। बेटा अभी मैं तुम्हें कैसे घर लेके चली जाऊँ, इतने मेहमान आ जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप यही रुके, मैं चली जाती हूँ। अरे रहीला मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं जितना देर यहाँ रुकूंगी ना उतना ही सबकी नजरें मुझे जख्मी करती रहेंगी। बेहतर है कि मैं यहाँ से ही चली जाऊँ। अच्छा तुम यहीं पे रखो, मैं किसी से कहती हूँ कि तुम्हें ड्रॉप करा है। जी हाँ, एक्स्ट्रा प्लेट्स चाहिए और 3 पेडेस्टल फैंस। जी ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भाई कहाँ है हातिम? नीचे है मेहमानों के साथ। हातिम राहिला को घर ले जाओ। उसने इस वक्त घर जाके क्या करना है? वो बहुत डिप्रेस्ड है, जिद कर रही है कि उसको घर जाना है। सोमिया उसे इस वक्त तुम्हें हौसला देना चाहिए, वो घर जाने की बातें कर रही है। हातिम उसको मोहल्ले की औरतों ने बातें सुनाई है। कैसी बातें? यही कि बाबा का इंतकाल उसकी वजह से हुआ है, मनहूस साबित हुए इस घर के लिए वगैरह वगैरह। याद करते राहिला को समझाओ कि लोगों की बातों को इस तरह दिल पे ना ले। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे। मैं भेजती हूँ उसे। मुझे लग रहा था कि तुम शायद बाहर से छोड़कर चले जाओगे। सोमिया मुझे बता रही थी तुमने मोहल्ले वालों की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। जानते भी हो कि क्या कहा है इन लोगों ने। इग्नोर कर दिया करो राहिला, ऐसी बेतुकी बातों पर कान नहीं धरते। बेतुकी बातें? हातिम वो बेतुकी बातें नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं ना। मैं उस घर में कभी खुशी नहीं ला सकती क्योंकि मैं उस घर में जाने ही नहीं चाहती। और देखो देखो अल्लाह ने मेरी सुन ली, मुझे मुझे मनहूस करार दिए जाने पर मुझे लगता है रिश्ता भी खत्म हो जाए। तुम अपने हवास में तो हो, जानती हो क्या कह रही हो तुम? हातिम मैं इस वक्त अपने पूरे होश और हवास में हूँ। हातिम मामू ने इस दुनिया से जाकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है, अब तुम भी मेरी मुश्किल आसान कर दो। फिर ये जुड़े हुए हाथ देखो, नाने हमें एक और मौका दिया है और अब लो मेरा हाथ। प्लीज तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो ये मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तुम मनहूस नहीं हो राहिला, लेकिन तुम सज्जाद मामू के घर के लायक और नुमान की बीवी बनने के लायक वाकई नहीं। हातिम मेरी बात सुनो, मैं सच में किसी के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ ना कि किसी और के साथ। देखो अगर मामू की बात मुझे तुम्हारे करीब ला रही है तो मेरी मोहब्बत की लाज रख लो, तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे मुझे मत छोड़ कर जाओ, मुझे मत छोड़ कर जाओ प्लीज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना कि किसी और से। राहिला छोड़ो मुझे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे तुम जैसी लड़की जो किसी अपने की मौत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है वो किसी की मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती। एक बात सुन, हातिम 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 मुझे छोड़कर मत जाओ, हातिम मेरी बात सुनो।
कौसर बहन, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। देखिए, जिंदगी मरने वालों के साथ मरने नहीं देती, जीने वालों के साथ जीना तो पड़ता ही है। आप खुल के बात कीजिए भाई साहब। देखिए बहन, आपके खानदान के लोग दूर दराज से आए हुए हैं और बाहर भी सब लोग यही कह रहे थे कि आप चुप क्यों हो गए भाई साहब? आप बात कीजिए, हमें पता है कि आप जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे, बेहतरी के लिए कहेंगे। देखिए, नोमान की शादी सज्जाद भाई की बहुत बड़ी खुशी थी। हम तो समझते हैं कि बेहतर ये होगा कि खामोशी से निगाह करके बहू को घर ले आए। ये नेक काम तमाम रिश्तेदारों की मौजूदगी में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। सही कह रहे हैं आप, फर्ज तो अदा करना ही है, कर ही देना चाहिए। बस ये हमारा मशवरा है आपको, बाकी जैसी आपकी मर्जी। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम लोग कल डिनर हमारे साथ करते, लेकिन उसमें खाला माने ही नहीं। ये ख्वाहिश सिर्फ तुम्हारी थी अक्सर। कम ऑन नाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम यहाँ आती हो तो शीनी भी खुश हो जाती है, बल्कि वो मुझे कल कह रही थी कि मैंने तुम्हें और खाला को रोका क्यों नहीं खाने पे। शीरिन की तो बात तुम मत ही करो, उसने तो शायद ख्वाहिश करना या ख्वाहिश का इजहार करना सीखा ही नहीं। हाँ, अगर साबिर अंकल रोकते तो शायद मम रुक जाती। ना चाहिए, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा भी घर है और तुम कुछ दिनों में रुखसत होकर यहाँ आने वाली हो, और ये घर अस्मा खाला की बहन का भी है, उस बहन का जो उनसे बहुत प्यार करती थी। ये खाला का ही प्यार है जो मॉम अब तक इस रिश्ते को निभा रही है अक्सर। अच्छा, यानी मेरी मोहब्बत का कोई जिक्र ही नहीं? जिक्र तो तब होगा जब तुम शीरिंग के लिए कुछ करोगे। जानता हूँ नाजिया, लेकिन क्या कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। अच्छा, I'll talk to you later, okay? Bye. यकीनन नाजिया तुम्हें शीरिंग के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रही होगी, राइट? नहीं डैड। वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि शीरिंग इस फैसले से खुश नहीं है? क्योंकि मुझे उसके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आती। खानदानी लड़कियां अपनी शादी के मामलात में अपने भाई और बाप के सामने खुशी का इजहार नहीं करती, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तो पसंद और आइडियल नाजिया है। बट रिमेंबर वन थिंग, नाजिया और शीरी के मिजाज में बहुत फर्क है। शीरी मेरी तरबियत है, समझे तुम? डैड, उसके मिजाज से तो डरता हूं, वो दिल की बात कभी जुबान पे नहीं रहती। अच्छी बात, खूबी की बात है ये। शर्मो हया वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। बट आई एम सो सॉरी अक्षम, तुमने एक गलत अंदाजा लगाकर ये बात नाजिया के कान में डाली, और अस्मा वो तुम्हारी खाला मेरे पास सवाल करने पहुंच गई, गोया कि मैं दुश्मन हूं शीरिन का। डैड, अगर शीरिन शहरयार के साथ खुश ना रही तो? डोंट यू मेक रॉन्ग अजम्पशंस। शहरयार से ज्यादा वेल सेटल्ड लड़का मेरे सर्कल में कोई भी नहीं है। ही बिलोंग्स टू अ लैंडलॉर्ड फैमिली, और क्या चाहिए हमें? जब वो खुशी नहीं तो राज कैसे करेगी डैड? ये बात से बात निकालना भी तुम्हें नाजिया ने ही सिखाया होगा। जब राज करेगी तो खुश भी हो जाएगी। कौसर भाभी, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। सादगी से निकाह पढ़ा के रुखसती करा लेने में क्या है? मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है भाभी, ये दुख तो हम सब का साझा है ना। अब जब चाहे राहिला को ब्याह कर ले आइएगा, इंतजार कर लूंगी। शायस्ता, दो दो खर्चे करने की क्या जरूरत है, सारे रिश्तेदार जमा हैं। अगर बाद में शादी करेंगे और किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे तो फिर बातें बनाएंगे सब लोग के भाई साहब की जिंदगी तक ही रिश्तेदारी थी सबके साथ। मम्मी, पप्पो, आप ही समझाएं सबको, पता नहीं क्यों निकाह के लिए इसरार कर रहे हैं सारे। बेटा, एक फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए अच्छा है, रब भी राजी होता है उससे। क्या बातें कर रही हैं आप, बाबा की कब्र की मिट्टी तक खुश्क नहीं हुई अभी।
बाबा की कब्र की मिट्टी भले खुश्क हो जाए, लेकिन ना तो हमारे गम कम होंगे और ना ही हमारी आंखें खुश्क होंगी। तुम भी यही कह रही हो सोमिया, इतना मजबूत नहीं हूं अपने दुख भुला करके अपनी खुशी की ख्वाहिश करूं। नुमान, तुम्हारे बाबा तुम लोगों को हमेशा सुखी देखना चाहते, उनके दुख को खुद पे हावी करके, खुद को सुखों से दूर करके उनकी रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। भाई, राहीला को मोहल्ले की औरतों ने बहुत बातें सुनाई हैं। अगर आप निकाह में और देर करेंगे तो पता नहीं उसको और क्या क्या सुनना पड़ेगा। क्या मतलब बेटा, किस किस की जुबान रोक सकते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। पहले वाले कहते हैं मेरी राहीला सब्ज कदम है, मनहूस है वो इस घर के लिए। यहां आने से पहले अपने मामू की जान ले, आ गए यहां। किसके साथ आई हैं? नुमान छोड़ कर गया। अंदर क्यों नहीं आया? और आप तो कह रही थी कि आप शाम को वापस आएंगी। राहीला, वहां सबने फैसला किया है कि मना कर दिया ना सबने, मुझे पता था। आखिर वो लोग सबकी बात सुनेंगे ना, और मोहल्ले वाले जो बात कह रहे हैं वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। सबकी बातें भी तो सुननी पड़ती ना, और सबकी बातें मैं ही सुनूंगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैंने आपसे पहले कि मैं उस घर के काबिल नहीं हूं, मैं मनहूस हूं उस घर के लिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। होश में तो हो तुम अपने, क्या और फल बाकी चली जा रही हो? वहां सब तुमसे प्यार करने वाले हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि नुमान और कुछ बड़े थोड़ी देर में मौलवी साहब को लेकर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारा सादगी से निकाह होगा और शाम को रुखसती हो जाएगी। कैसे कर सकती है? मैंने आपसे कहा था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आवाज ऐसा रखो। थोड़ी देर में तुम्हारी खाला और कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, लहजा धीमा रखना अपना। अम्मी, नुमान मुझसे कैसे निकाह कर सकता है? उसने सुना नहीं मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, उसके बावजूद भी। नुमान तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो लोगों की बातों पे कान धरे। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती, और मैं नहीं करना चाहती ये शादी। तुम क्या चाहती हो और क्यों चाहती हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात नहीं जानती कि नसीब ख्वाहिशों से नहीं रब की मर्जी से बनते हैं। जो चाह से लेकर जा रहे हैं उनकी कदर करो, शराबों के पीछे भागना छोड़ दो। लेकिन अम्मी आप, बस इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं, इस मौके पर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का शुक्र है साईं। नाजिया कहाँ पर है?
कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर मॉम तो कह रही थी आप नेक्स्ट वीक आने वाले। बस मैंने तुम्हें सरप्राइज दे दिया, कैसा लगा? Aren't you happy? I am really happy. लेकिन तुम्हारा ये सरप्राइज फेल हो गया क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम आ रहे हो। आपको कैसे मालूम था? मैंने कॉल की थी तुम्हारे अबू धाबी वाले ऑफिस पे और मुझे पता चल गया कि आज तुम्हारी फ्लाइट है। I was so excited कि मैं एकदम आके सरप्राइज दूंगा और आप बहुत खुश हो जाएंगी। ये तो सरप्राइज ही किल हो गया। नहीं नहीं, मैं अब भी बहुत खुश हूँ, मेरी तो जान है तुम्हें। हाँ बेटा आया साथ ही, बेटी को भूल गई? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों मेरी जान हो। अच्छा भाई अगर आ रहे थे आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ताकि एटलीस्ट तुम्हें तो सरप्राइज दे सके। आपको पता भाई, मैंने तो मॉम से कह दिया था कि भाई को भी शादी का कार्ड भिजवा के ना इनवाइट कर लेंगे, बड़े आदमी है। देख रही हैं आप, तुम्हारी वजह से सब कुछ रैप अप करके आया हूं जल्दी जल्दी। अब ज्यादा एहसान मत जताएं। अच्छा बस ना, मेरा बेटा अभी तो आया है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूं। ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि आप तो भूल ही गए थे कि बहन की शादी है, उसे भी कोई हजार मशवरे चाहिए होंगे। वाह, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, घंटों वहां पर तो मेरा सर खाती थी अपनी एक छोटी छोटी डिटेल बता के। मिस कर रही थी आपको, पर आपको क्या, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। क्या लग रहा तुम्हें? यही कि शायद किसी ने रोक लिया आपको, कोई पसंद आ गई होगी, आने नहीं दे रही होगी, एंड यू नो। काम करने गया था वहां पर, मैं मसरूफ था। अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि आज तक आपको कोई पसंद ही नहीं आया? ओके लेट्स पुट इट दिस वे, मेरी जिंदगी में जब भी ये मोमेंट आया ना, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट। प्रॉमिस। See you. मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, तुम्हारे साथ बचपन गुजरा, मुझे तो याद भी नहीं मुझे कब तुमसे मोहब्बत हुई और कब मैंने यह फैसला कर लिया कि सिर्फ मेरी दुल्हन तुम ही बनोगी। कभी मुझसे भी जानने की कोशिश कर लेते कि बचपन के साथ में मोहब्बत ने कभी मेरे दर पे भी दस्तक दी या नहीं? उसकी क्या जरूरत है? तुम मर्द कितने खुदगर्ज होते हो ना, हर बात में सिर्फ अपनी मनमानी करते हो। मोहब्बत का एतराफ करने में भी दूसरों के एतराफ का मौका ही नहीं देते। अच्छा चलो दे दिया, कर लो सारे एतराफ। अब हर एतराफ का वक्त गुजर चुका है कि जिस रिश्ते में आज हम बन चुके हैं, वादा करो कि हमेशा मेरा साथ दोगे। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम सलाम। आप ये सब कुछ खुद क्यों कर रही हैं? मुझे बोल दिया होता मैं कर देती। नहीं आज तुम्हारा पहला दिन है, मैं तुमसे नाश्ता बनवाऊंगी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं इस घर में नहीं हूँ। नई नवेली दुल्हन तो हो ना, जिन हालात में मुझे इस घर में लाया गया है
मैं नई नवेली दुल्हन की गलत फहमी में ना ही पढ़ूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये गलत फहमी नहीं है और हम बहुत खुश हैं कि तुम हमारे पास हो। सोमिया कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही है। उसकी दोस्त का फ़ोन आया था, उसकी रोल नंबर स्लिप आ गई है। अच्छा है, इम्तिहान में दिल लगाएंगे तो उसका दिल बहल जाएगा, वरना रो रो के तो उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। नुमान तैयार है, उसने नुमान के साथ ही जाना है, जाओ देखा। जी राहिला। जीती रहो। भाई को बोलती हैं छुट्टी कर लेते। नहीं, पहले ही बहुत छुट्टी हो गई है और वैसे भी आज बैंक में क्लोजिंग है, इसलिए जाना बहुत जरूरी था। भाई की हिमायत अभी से? बीवी हूँ ना, और बुनियादी फराइज में से एक फर्ज ये भी है कि बीवी अपने शौहर की हिमायत करे। तुम वापस कैसे आओगी? हाथ मुझे पिक कर लेगा, मान लेगा तुम्हारी। मेरी तो मानता है, मैं चलती हूँ। लाफेस। खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बिजी तो नहीं हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बताएं खैरियत है? मैं शाम में साबिर भाई की तरफ जा रही हूँ, सोचा कि अगर तुम ज़्यादा बिजी नहीं हो तो हम इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, फिर ऐसा है कि मैं लंच टाइम में ज्वाइन कर सकता हूँ आपको, ज़रूर। ओके ठीक है। मैंने शीरीन के लिए ना बहुत ज़बरदस्ती ज्वेलरी और कुछ ड्रेसेस बनवाए, बस वही देने जाना है। नाइस, तो मैं फिर आता हूँ लंच टाइम में। दाफिस। हाथे में यूनिवर्सिटी से फ्री हो गई, मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। कहाँ हो तुम? भप्पू, मैं वो बस अभी यूनिवर्सिटी से फ्री हुई हूँ। हातिम ने कहा था कि फ्री होके बता दूँ उसे। वो खाना खाने घर आया था, अभी बाहर निकला है, फोन उसका घर पे ही है। अच्छा ठीक है, जब वो वापस आए तो उसको बोलिएगा कि मुझे पिक कर ले। जैसे गई थी वैसे ही वापस भी आ जाओ, ऐसे बात बात पे हातिम की मोहताजी अच्छी बात नहीं है। वैसे भी उसे खाना खा के बैंक वापस जाना है, देर हो रही है उसे। हाँ लेकिन हेलो, हाँ खाना खा रही हूँ, निकाल। सोमिया की कॉल आई थी? हाँ, कह रही थी बस में आ रही है घर। बस से आ रही है? नहीं भाई, मौसम बहुत खराब है, बस में क्यों आई? हाँ हो गया है भाई, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाओ ना, छोड़ दो फोन की जान। अम्मी मुझे खाना खाओ। शाबाश। ओहो, तुम्हारे फोन की तो बैटरी बहुत लो हो रही है, चार्ज पे लगा देती हूँ। खाना खाओ। शाबाश।